तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे डील करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको पता है कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स है ना, और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो पहले हम इसे सम में ब्रेक कर लेंगे और जो इंडिविजुअल क्लस्टर आएगा उसको आप इजीली इंटीग्रेट कर लोगे फॉर्मूला लगा के, सूटेबल फॉर्मूला लगा के। तो आप जैसा पढ़े हैं 11th क्लास में कि साइन एक्स और कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई क्या कहते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होता है, लेकिन वो 2 टाइम्स साइन एक्स साइन वाई होता है, यहाँ 2 तो है नहीं, 2 मिसिंग है, तो 2 हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो ये आपका अभी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं 11th का, अभी इंटीग्रल स्टार्ट नहीं हुआ, इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई 8x-4x, ठीक है, तो 4x हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब 8x+4x 12x हो जाएगा dx, ठीक है। अब चूंकि इंटीग्रल क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है, मतलब ये इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा दोनों फंक्शन को, ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन डिफरेंस या सम में है ना। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रल अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, तो इंटीग्रल कॉस ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 12x dx हो गया। अब इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कॉस का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो साइन होता है ना, तो ये आप लिख दोगे साइन ऑफ 4x। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर यहाँ पे x नहीं है, ax प्लस बी है, मतलब लीनियरली सब्स्टिट्यूटेड है, 1 डिग्री एक्सप्रेशन है, तो उसमें x का कोफिशियंट से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ x का कोफिशियंट 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल हो गया। माइनस इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन 12x अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल हो गया आपका यहाँ से, और ये 1/2 बाहर है, ठीक, और प्लस क्या कर दें, सी कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, अब अपनी बुक में देख लीजिएगा कि आंसर क्या दिया गया है, ठीक है, आगे आप सॉल्व कर सकते हो।